सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग पाठ 14 पांच वर्ष का बूढ़ा पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक राजा था, वह अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। वह प्रजा का हाल जानने के लिए साधारण वेशभूषा में घोड़े पर सवार होकर अकेले निकल पड़ता था। एक दिन वह जा रहा था, तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके बाल सफेद थे। राजा ने देखा कि वह रास्ते के कूड़े कचरे को हटा रहा है। उसे देखकर राजा रुक गया, बूढ़ा अपने काम में लगा रहा। राजा ने उससे पूछा, महाराज आपकी उम्र क्या होगी, बूढ़े होकर भी आप इतना श्रम कर रहे हैं? बूढ़े आदमी ने उत्तर दिया, श्रीमान मेरी उम्र केवल 5 वर्ष है। राजा ने उससे कहा, आपको शर्म आनी चाहिए, इतने बूढ़े होकर भी आप झूठ बोल रहे हैं। आपको 80 वर्ष से कम उम्र का कौन कहेगा? बूढ़ा राजा की बात सुनकर मुस्कुराया। उसने विनम्रता से उत्तर दिया, श्रीमान आपका अनुमान ठीक है, किंतु मैं 80 वर्षों में से 75 वर्ष बेकार ही गंवा दिए। राजा ने पुनः उससे पूछा, वह कैसे? बूढ़े ने विनम्र स्वर में कहा, 75 वर्षों तक मैंने केवल अपना पेट भरा और अपने लिए ही जीवन बिताया। मैंने किसी गरीब या जरूरतमंद की कोई सहायता नहीं की। मैंने समाज की सेवा का भी कोई कार्य नहीं किया। श्रीमान मैं पिछले 5 वर्षों से ही जीवन का उद्देश्य समझ पाया है। अब मैं समाज की सेवा करता हूँ। मैं दूसरों की भलाई के कामों में लगा रहता हूँ। मैं पर्यावरण को स्वच्छ रखने पर भी ध्यान देता हूँ। मैं सभी लोगों को सफाई के लिए और पेड़ लगाने के लिए प्रेरणा देता हूँ। सभी को प्रदूषण रोकने की सीख देता हूँ। प्रदूषण से पर्यावरण बिगड़ जाता है और उससे कई प्रकार की हानियाँ होती हैं। श्रीमान इसलिए मैं अपनी सच्ची उम्र 5 वर्ष बताता हूँ, बाकी 75 वर्ष तो यूं ही चले गए। बूढ़े की बात सुनकर राजा ने अपना परिचय देकर उसकी प्रशंसा की। बच्चों, मनुष्य का जीवन अनमोल होता है। हमें इस बात को समझना चाहिए, हमें अपने जीवन में कोई भी अनुचित काम नहीं करना चाहिए। हमें अपने जीवन में त्याग, तपस्या और सेवा जैसे गुणों का समावेश करना चाहिए। इस कहानी से हमें बच्चों यह शिक्षा मिलती है, परोपकार करने से मनुष्य का जीवन प्रेरणादायक बन जाता है। इस तरह से बच्चों आपका ये पाठ खत्म होता है।